हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म आदि पुरुष का रामनवमी के दिन नए पोस्टर रिलीज किया गया। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म एक बार फिर मुश्किलों में पड़ गई है। हाल ही में इस मूवी के नए पोस्टर को दर्शकों ने खलबली मचा दी और ऐसे में अब इस मूवी के पोस्टर पे एक बार फिर फैंस के साथ साथ लीगली भी ये मूवी एक ट्रबल में फंस गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए पोस्टर से लोगों की भावनाएं आहत हुई है क्योंकि इसमें हिंदू के आराध्य भगवान राम को गलत तरीके से दिखाया गया है। अब इसे लेकर निर्देशक समेत फिल्म के स्टारकास्ट पर FIR दर्ज कराया गया है। फिल्म आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत को अपनी फिल्म को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो फिल्म के टीजर ने लोगों की भावनाओं को आहत किया था, वहीं अब फिल्म के नए पोस्टर में भी हिंदू माइथोलॉजी के कैरेक्टर को गलत तरीके से दर्शाया गया है। अब इसी को लेकर सनातन धर्म के संत संजय दीनानाथ तिवारी मुंबई के साकाना की पुलिस स्टेशन में मुंबई हाईकोर्ट के वकील आशीष राय और पंकज मिश्रा के जरिए केस शिकायत दर्ज की है। गौरतलब है कि अपनी शिकायत में संजय ने लिखवाया है कि पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बायोग्राफी पर आधारित आदि पुरुष को बनाया गया। ये उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भगवान राम को हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में जिस तरह से दिखाया गया है वह जिस तरह से दिखवाया और बताया गया उससे उल्टी ही आदि पुरुष के नए पोस्टर में दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें मुंबई के साकाना की पुलिस स्टेशन में आदि पुरुष के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओम राउत और सभी स्टारकास्ट के खिलाफ IPC की धारा 295A, 298, 500 और IPC की धारा 34 के तहत केस दर्ज कराया गया है। फिलहाल तो ये लीगल प्रोसेस है, लेकिन इसी बीच अब मीडिया पे नेटिजन्स का भी रिएक्शन आ रहा है। फैंस कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आए। एक ने लिखा, खेल बना रखा है क्या? दूसरे यूजर ने लिखा, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। फिलहाल के लिए तो आदि पुरुष एक बार फिर फंसते हुई नजर आ रही है। आपको बता दें पिछले साल मेकर्स ने आदि पुरुष का टीजर रिलीज किया था और ये टीजर आते ही लोगों के बीच विवाद का एक नया माध्यम बन गया था। पहली वजह हिंदू देवी देवताओं को जिस तरीके से दिखाया गया है उस पर लोगों ने सवाल उठाया, तो दूसरी तरफ लोग इस मूवी के VFX और शो में दिखाए गए किरदारों से भी बिल्कुल भी नाखुश नजर आए हैं। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन इस पूरी कंट्रोवर्सी पे? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब